नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ जीविका सिंह। और इस समय सुबह 7 बजे की आपको बड़ी खबर बता दें, जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और साइमो इलाके में छिपे थे आतंकी। सुरक्षा बलों की साझा कार्रवाई में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है, जबकि 1 से 2 आतंकियों की छिपे होने की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन है फिलहाल जारी है। त्राल के साइमो में अभी भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। हमारे संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। खालिद, इस समय क्या ताजा जानकारी है? एक कोरोना काल में भी पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है। देखिए, अभी भी ये मुठभेड़ जो है जारी है। दरअसल मध्यरात्रि में सूचना के आधार पर त्राल के स्वयं इलाके में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और सुबह तड़के कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ जब उस घर को घेर लिया गया जिसमें मिलिटेंट छुपे थे। जैसे ही मिलिटेंट के उस घर के करीब सुरक्षा बल पहुंचे तो उन्होंने उस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई हुई, एक मुठभेड़ शुरू हुई जिसमें अब तक पुलिस हमें बता रही है कि एक मिलिटेंट को मार गिराने में सफलता मिली है। 1 से 2 और वहां पर छुपे हो सकते हैं जिनके खिलाफ साथ मुठभेड़ अभी भी जारी है। मैं आपको बता दूं, त्राल में अब तक अगर हम बात करें तो करीबन 1 दर्जन से ज्यादा मुठभेड़ इस वर्ष देखी गई है और अभी जिस तरह से एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन हो रहे हैं कोरोना वायरस के बावजूद, उसमें देखा गया है कि मिलिटेंट्स के खिलाफ जो अभियान छेड़ा गया है सुरक्षा बलों द्वारा, उसको रोका नहीं गया है। बिल्कुल उसको फ्रंट लाइन पे जो है किया जा रहा है और अब तक करीबन 75 से ज्यादा मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है इस वर्ष। और ये अभियान जो है लगातार जारी है, जहां भी सूचना मिलती है वहां कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर या तो मिलिटेंट को पहले सरेंडर करने का मौका दिया जा रहा है और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर मुठभेड़ में उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। आज भी एक सफलता मिली है और एक सफलतापूर्वक ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी खालिद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और किस तरह हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, इसका इसी बात से पता चलता है कि 4 दिनों में तकरीबन 13 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।